गाइज अस्सलाम वालेकुम शशकाल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है भगवान का नया अवतार सोना बनाने वाला। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, उसके बाद देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, देखते हैं क्या बताया गया इस वीडियो में, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी रिप्लाई देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अमेजिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नायक सर के फैन हो, ठीक है, और आप मानते हो कि यार वो बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद फिर हम भी बताएंगे हमें कैसा लगा ये वीडियो। तो आप लोग लास्ट तक के देखो, कहीं नहीं जाना है आपको, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। कुछ यूनिक ही है जो लोगों को सोना बना बना कर देते हैं और लोग भी इसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। और आम लोगों के बारे में तो सोर ही दीजिए मेरे दोस्त, वहाँ के जो पुलिस का एसपी साहब हैं वो भी इस बाबा जी के संगुल में आ गया। और जब इस बाबा जी का ढोंग फादिल हो गया तो वहाँ के लोगों के बीच में अब हाहाकार मच गया है कि आखिर ये लोग शिकायत कर रहे थे करे किसे, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस का एसपी साहब है वो भी इस बाबा जी के संगुल में फंस गया है। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक सर जो बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर है वो आखिर अपने लेक्चर के जरिए कितना पैसा कमाता है, वो जो लोगों को शिक्षा देते हैं, नॉन मुस्लिमों को मुस्लिम बनाते हैं, इन सब कामों के लिए आखिर वो कितना पैसा कमाते हैं, जो जानने के बाद यार आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, आइए इसे देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। कोटा में खुद को भगवान कहने वाले एक बाबा द्वारा सोने के ईंट का लालच देकर हजारों लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। इस ढोंगी बाबा के चक्कर में फंसकर कई घर बर्बाद हो गए तो कई लोगों ने लालच में आकर अपनी एफडी तक तुड़वा दी, तो बाबा इन लोगों की जिंदगी भर की कमाई हड़प कर खुद मालामाल हो गया। एक महिला को तो उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, ठगे गए लोगों का दावा है कि कई पुलिस वाले भी बाबा के भक्त थे। तो वहीं इस बाबा के खिलाफ कोटा शहर के उद्योग नगर बोरखेड़ा थाने के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी थानों में प्रकरण दर्ज है। बताया जा रहा है कि मांगीलाल नाम का ये ढोंगी बाबा अपने आप को भोपा बताता है। बाबा इन ईंटों को एक पैकेट में बांध कर देता है और दावा करता है कि कुछ दिनों में ये सोने की हो जाएंगी। बाबा लोगों को यह भी कहकर भी डराता है कि इस पैकेट को तय समय पर ही खोलना है, उससे पहले खोला तो मौत हो जाएगी। ऐसे में कुछ लोगों ने पैकेट खोला तो बाबा की ठगी का खुलासा हुआ। बाबा से दिए गए रुपए वापस मांगे लेकिन उसने इनकार कर दिया। आखिर बाबा से परेशान लोगों ने थाने में शिकायत दी, प्रदर्शन किए, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब उसके कई पुराने फोटो सामने आए हैं। इसमें जिस स्थान पर बैठकर वो लोगों से रुपए लेता था वहां के फोटो के अलावा पुलिस अफसरों के साथ भी फोटो आए हैं। इनमें से एक फोटो में बाबा कोटा मुख्यालय के एडिशनल एसपी राम कल्याण मीणा के साथ दिख रहा है। वहीं दूसरी फोटो में एसपी ऑफिस में तैनात एडिशनल एसपी उमा शर्मा के साथ भी नजर आ रहा है। गोविंद कुशवाहा नाम है मेरा। कम से कम 10-12 हजार आदमी उलझे पड़े हैं इनके साथ और मेरे 3,15,000 रुपए उलझ रहे हैं अभी भी। और आजकल यूँ बोलते हैं पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, पुलिस वालों को पैसे दे देंगे, ऐसे बोलते हैं और धमकी और देते हैं। पैसे मैंने यहाँ मोनू है यहाँ पे डीसीएम के अंदर ही, उससे उधार लिए थे 2% पे 1,25,000 रुपए। तो और मैंने जुम किया थी मेरी वाइफ की, जो मैंने गिरवी रख रखी है गोल्ड लोन में, ऐसे करके पैसे मैंने ईटे ली थी। तो आप फिर बताओ द्वारके भाई बताओ फिर दोबारा छोड़ दी उन्होंने, फिर दोबारा ली ना 55 में ये फिर होगा कोई पैसा न दिया पर। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक कितना पैसा कमाते हैं? तबलीग इस्लाम अपने इज्तमात यूट्यूब चैनल पीस टेलीविजन और दीगर किताबों के जरिए डॉक्टर जाकिर नायक एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं? डॉक्टर जाकिर नायक से इसी हवाले से एक सवाल किया गया था और जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने हैरान कन इंकशाफात कर दिए। ये भी बताया कि वो इस वक्त
क्या कारोबार कर रहे हैं और उससे कितने पैसे कमाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बता दिया था कि पीस टेलीविजन के जरिए पाकिस्तानी तकरीबन 1,32,00,00,000 रुपए एक महीने के कमाए जा सकते हैं। इसी तरह से पीस टेलीविजन के जरिए एक महीने में तकरीबन 58,00,00,000 भारतीय रुपए भी कमाए जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इन वीडियोज में मालूमात में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया जाता है। वक्त जाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया गया और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। भारतीय रियासत तमिलनाडु से एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि आप तबलीग इस्लाम क्या पैसों की खातिर कर रहे हैं। सवाल करने वाले ने साथ में यह भी कहा था कि इससे पहले आप डॉक्टर थे और डॉक्टरी से आप जितना पैसा कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा आप तबलीग के काम में आने के बाद पैसे कमा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए यह सवाल बहुत आम था क्योंकि दुनिया में किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ इस दौर में पैसा ही माना जाता है और सबको लगता है कि कोई भी शख्स कोई भी काम पैसे की खातिर कर रहा है। यही उंगलियां और इल्जामात डॉक्टर जाकिर नाइक पर भी लगते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, मैं डॉक्टरी छोड़ने के बाद तबलीग में आकर बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक कहा गया है, मैं बहुत ज़्यादा सवाब कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक अपनी किसी किताब से एक रुपया नहीं कमाया है, ना ही अपनी किसी वीडियो से, ना किसी वीडियो कैसेट से, ना किताब से, ना ही किसी जगह पर जाकर दीन इस्लाम से मुतालिक बात करने से। मैंने आज तक किसी भी मौके पर तबलीग इस्लाम करते हुए पैसा कमाने को जहन में नहीं रखा और ना ही मैंने पैसा कभी कमाया है। दोस्तों यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा कि फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का गुजर बसर कैसे होता है, उनका शाहाना तर्ज रिहाइश कैसे मुमकिन है, उनका जरिया आमदन क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का भी जवाब दिया था जो हम आपको आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपनी किसी किताब से पैसे नहीं कमाता हूँ। अगर कोई शख्स मेरी किताब को छापकर उससे पैसे कमाता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है और मैंने आज तक अपनी किताबों को किसी एक शख्स के छापने तक महदूद नहीं किया है। कोई भी शख्स मेरी किताब को छाप सकता है और उसके बाद उसे बेचकर पैसे कमा सकता है। जहां तक बात है दीन इस्लाम की किताबें बेचकर पैसे कमाने की, तो बजाय इसके कि कोई बुरे कामों और हराम कामों वाली किताबें छापकर बेचे, उससे बेहतर है कि कोई अगर मेरी लिखी हुई दीन इस्लाम की किताब को बेचकर पैसे कमाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने आज तक अपनी किसी किताब को फरोख्त नहीं किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही मेरी DVDs और सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक है, यहाँ तक के पीस टीवी भी बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मेरी वीडियोस इस्तेमाल करते हैं और उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, इस पर भी मैंने आज तक कोई एतराज नहीं किया है और ना ही मैंने इन वीडियोस के जरिए एक रुपया कमाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आज तक किसी भी अपनी इस्लामी खिदमत के बदले में एक रुपया नहीं कमाया है। सिर्फ एक मौके पर जो मैंने एक ट्रस्ट और स्कूल कायम किया है, वहां से कुछ पैसे कमाए जा रहे हैं और वो पैसे भी मुनाफे की सूरत में नहीं है क्योंकि उस पर खर्चा बहुत किया गया है और उस स्कूल और ट्रस्ट की कमाई से आने वाले पैसों से भी उसी स्कूल के अखराजात उठाए जाते हैं। मैं अपनी जात पर उस स्कूल से लेकर एक रुपया खर्च नहीं करता। और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी हैरान कन बात बताई जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्हें जब भी कोई मुल्क दावत देता है कि उनके मुल्क में तशरीफ लाएं और दीन इस्लाम से मुतालिक लेक्चर दें, तो वो उस मौके पर भी ये दस्तखत करते हैं एक बाकायदा मुआहदे की सूरत में कि वो अपने जहाज का टिकट का खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे, वो जिस होटल में क्याम करेंगे उसका खर्चा भी वो खुद बर्दाश्त करेंगे और वहां से जिस मुल्क से उन्हें दावत दी जाती है उस मुल्क की इंतजामियों को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया जाता है कि वो अपने तमाम तर अखराजात खुद ही बर्दाश्त करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ मौके ऐसे जरूर आते हैं जब मेरे लिए इन चीज़ों पर इनकार करना मुमकिन नहीं रहता, बिलखसूस उस मौके पर जब मुझे किसी मुल्क का सरकारी मेहमान बनाया जाता है, क्योंकि जब किसी को सरकारी मेहमान बनाया जाता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल और आदाब होते हैं, उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं। लिहाजा जब मुझे किसी मुल्क के सदर या बादशाह की तरफ से बुलावा आता है और ये कहा जाता है कि आप हमारे अखराजात पर होटल और जहाज का टिकट हम देंगे, तो उस सूरत में मैं इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता जब कोई और कंपनी या कहीं से दोस्त मुझे बुलाते हैं या कोई भी मुझे तबलीग इस्लाम के लिए अपने मुल्क में बुलाता है, तो मैं उस सूरत में जहाज के टिकट और होटल के अखराजात खुद बर्दाश्त करता हूं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्हें अवार्ड की सूरत में जो इनामी रकम मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो भी अपने आप पर खर्च नहीं करते और उसे खैरात कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किंग फैसल अवार्ड जो कि उन्हें सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से दिया गया था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि उसमें उन्हें तकरीबन पाकिस्तानी 3,32,00,000 रुपये मिले थे, मगर उन्होंने वो पैसे खैरात कर दिए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से उन्हें दुबई से एक मौके पर 1,000,000 दिरहम दिए गए थे, वो भी उन्होंने खैरात कर दिए थे। उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ पर यह बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान दीन इस्लाम की तबलीग और दावत की कुछ बुनियादी तनख्वाह लेता है तो ये हराम नहीं है, जब तक कि ये मार्केट वैल्यू के मुताबिक हो, लेकिन चूंकि मुझे ज्यादा सवाब कमाना है तो मैं ये रकम भी नहीं लेता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं तो अपनी जेब से तबलीग इस्लाम के लिए पैसे खर्च करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया था कि उनका जरिया मौश क्या है, तो वो फिर पैसे कैसे कमाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको तर्जुमा सुनाएंगे। अल्लाह सुबहाना ताला हैज ब्लेस्ड मी, आई स्पेंड फ्यू आवर्स इन बिजनेस, मे बी अ कपल ऑफ डेज इन अ मंथ ड्यूरिंग हॉलीडेज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ ईयर, एंड मेजॉरिटी ऑफ माई अर्निंग्स इज टू गो इन चैरिटी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल की हैं। मैं एक महीने के चंद दिनों में, बिलखसूस छुट्टियों के दिनों में चंद घंटे अपने बिजनेस पर काम करता हूं और अल्लाह ताला मुझे उसके बदले में भी $1,000,000 अता फरमाता है और उसका बेशतर हिस्सा मैं खैरात कर देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही वजह है कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भी बहुत नवाज रखा है, और अगर मैं डॉक्टर होता तो शायद मैं इतने पैसे ना कमा रहा होता, क्योंकि अब मैं अल्लाह की राह पर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे ज्यादा दौलत से भी नवाजा है। अपने छोटे से कारोबार से जो मैं पैसे कमाता हूँ उसमें से भी मैं $1,000,000 हर माह भारत भेज देता हूँ और बेशतर रकम खैरात में खर्च होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पीस टेलीविजन को हर महीने तकरीबन 200 मिलियन लोग देखते हैं और अगर मैं उससे पैसे कमाना शुरू करूँ तो एक महीने में $8,000,000 कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, $8,000,000 को अगर पाकिस्तानी लिहाज से देखा जाए तो ये 1,32,00,000,000 रुपए बनते हैं, जबकि भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये तकरीबन 58,00,000,000 रुपए बनते हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक एक महीने में कमा सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई $2, आई गेट $8,000,000 अ मंथ, मल्टीप्लाई बाई 12, क्लोज टू $100,000,000, एंड द कॉस्ट इज जस्ट अ स्मॉल portion of that, but what am I going to do with this money? This money cannot buy me Jannah. Dr. Zakir Naik ne ye bhi kaha ki agar main ye sare paise apne paas rakh lu to main inka kya karunga, main inse jannat to hasil nahi kar sakta. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज फजर से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करता है तो ये दुनिया भर की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती होगा, और मैं इसी पर यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम दीन इस्लाम की राह पर चलोगे और अपनी आखरत की तैयारी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखरत दोनों में नवाजेगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे सैकड़ों मिलियन दौलत से नवाजा है। और अगर ये था वीडियो, बहुत अमेजिंग, रियली गाइस बहुत अमेजिंग स्टोरी था इनसे, हमें देख खुद जाकिर नाइक सर बता रहे हैं कि इतने पैसे वो कमा सकते हैं, लेकिन वो इतनी सारी चीजें फ्री करते हैं, मतलब उनके लेक्चर्स जो होते हैं, उनकी वीडियोस होती है, पीस टीवी, ये सब फ्री में कर रहे हैं। एक एक देश से दूसरे देश में जाने पे वहाँ की करेंसी हाई रहती है, किसी की देश की करेंसी, तो उसमें डबल तिबल पैसा लगता है, तो ये खुद जाते हैं अपना होटल का किराया रेंट देते हैं, ठीक है, फ्लाइट बुक करवाते हैं, उसमें भी पैसा लगता है, फिर अपने साथ स्टाफ भी लेके जाते होंगे, इतने पैसे लगते होंगे, उसके बाद भी मतलब बोलते हैं ना कि जब देने वाला देता है तो उसमें बरकत बहुत ज्यादा रहती है, अगर वो सही इंसान है, सही रास्ते में चल रहे, लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, सही रास्ते पे लेके जा रहे, तो वो इतने मिलियंस कमा सकते हैं कुछ ही दिनों में। लेकिन वो उनका यही कहना है कि वो इतना कमाने के बाद भी वो ये जो दौलत है वो उनको जन्नत नहीं दिला सकती, यही चीज, यही लाइफ में हमारे भी, हम भी यही सोचते हैं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार आप इस्लाम को और मुस्लिम लोगों को मतलब अच्छा इसलिए बोलते हो क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए बोलते हो, व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा वो बोलते हैं बहुत सारे, मैं देखा हूँ जो नॉन मुस्लिम है वो, ठीक है, मुस्लिम्स कभी नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि हम क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, क्या सीख रहे हैं। तो हमारा भी मानना यही है, जहां तक हम इस्लाम को समझे हैं, कि भाई कितना भी करोड़ों रुपए भी यूट्यूब से कमा ले, कहीं से भी कमा ले, लेकिन आपके मरने के बाद वो पैसे काम आएंगे ही नहीं, ठीक है, और आप किसी भी रिलीजन के हो, कितने भी अमीर इंसान हो,
ठीक है, ये जितने भी पैसे आप कहीं से भी अर्न कर रहे हो, किसी के वीडियो के थ्रू, किसी के बुक्स, जैसे वो बोल रहे थे इस्लामिक वीडियो बुक्स इनके वो करते, लेकिन वो पैसा काम नहीं आएगा मरने के बाद, ठीक है। तो हम हमारा ही मानना यही है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं ताकि वो हमें व्यूज दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम भी जब रिएक्शन बनाने लगे थे तो हम सोचते थे कि हम भी पैसा कमाएंगे, लेकिन जब हम इस्लाम को अच्छी तरीके से जाने समझे तो हमें ये समझ में आया कि हाँ यार मरना है तो है ही एक दिन सबको, तो ये पैसा लेके अगर जमा भी कर लेंगे तो क्या करके लेके तो नहीं जाएंगे अपने साथ कब्र में, या अगर कोई जो जिनकी डेड बॉडी जलाई जाती है अस्थियां वो तो अपने साथ जलाने के बाद कैसे भी मरे, आप मरने के बाद लेके नहीं जाओगे, जो दुनिया की चीज है वो यही छूटने वाली है। तो हम लोग का यही कहना है कि ये वीडियो जो आप लोग कमेंट करते हो उससे हम लोग का कोई लेना देना हाँ, नहीं है, बाकी नहीं। आप लोग की सोच ऐसी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को मजा आता है ये सब वीडियो पे रिएक्शन देने के क्योंकि लिए, क्योंकि सीखने को नया मिलता है, सीखने को मिलता है कुछ एक, अच्छा सीखने हाँ, को मिलता है। इंसान ना अच्छा सीखता है, समझता है और इंसानियत की तरफ जाता है, सही रास्ते में जाता है ना, तो लोग तो बोलने वाले रहते ही है, तो लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी हमारे जो जानते हैं जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं वीडियो में और कितना पॉइंट जो सीखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वो हमारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। और आप लोग रियली गाइस हमारे सब्सक्राइबर्स और जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोगों को लगता है कि हम फेक रिएक्शन देते हैं या रियल, आप लोग कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।